गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसका नाम है कैदी और कोकिला। काव्य खंड का ये अध्याय है। कैदी और कोकिला जो कविता है, इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में 1889 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय थीं। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और ये कई बार जेल भी गए। प्रभा और कर्मवीर जैसी पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। यह जो उनकी कविता है, इस कविता में उन्होंने ब्रिटिश शासन के बारे में बताया है। उन्होंने जो अपनी कविता है, यह उस समय लिखी जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वे स्वयं भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो कई बार गांधी जी के साथ जेल भी गए, तो उन्हें यह पता था कि ब्रिटिश शासन की जो जेलें हैं उनमें भारतीयों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। उन्होंने अपनी इस कविता में उसी का वर्णन किया है। उन्होंने यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है, यानी कवि ने इसमें कोयल को प्रतीक मानते हुए अपनी रचना की है। आइए कविता शुरू करते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। यह जो कविता है, इसमें इन पहली जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवि ने अपने आप को जेल में बंद दर्शाया है। उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहा है, जब वह जेल के कारागार में बंद था तो तभी वहां पर एक कोयल आती है। कोयल आकर बोलती है। कोयल को देखकर कवि के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे भाव उत्पन्न होते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोयल उसके लिए संदेश लेकर आई हो, उसके लिए कोई प्रेरणा का स्रोत बनकर आई हो। वह कोयल से बहुत सारे प्रश्न करता है, जैसे पूछता है क्या गाती हो, यानी तुम यहाँ पर क्या गा रही हो, और क्या यहाँ गाने का मतलब है, क्या संदेश मेरे लिए लेकर आई हो, क्यों रह जाती हो, और क्यों बार बार गाते गाते क्या हो जाती हो, चुप हो जाती हो, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आगे वे कोयल से कहता है, कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल बोलो तो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आगे वे उससे फिर पूछता है, क्या लाती हो, मेरे लिए क्या लेकर आई हो, यानी वह जितने मन में उसके प्रश्न आते हैं वह सब उनसे पूछता है। वह उनसे कहता है कि तुम मेरे लिए क्या लाई हो, अर्थात मेरे लिए तुम किसका संदेश लाई हो, और बार बार उसे बोलते बोलते चुप क्यों हो जाती हो। कोयल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, और मुझे बताओ कि तुम किसका संदेश मेरे लिए लेकर आई हो। अगली पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब कोई स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश शासन अपनी जेल में बंद कर लेता था और उस पर वह किस किस प्रकार के अत्याचार करता था। ऊंची काली दीवारों के घेरे में,
डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़फ कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात है कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिमकर निराश हो चला, रात भी है काली, इस काली माँ मई जगी तू क्यों आली। कवि ने इन पंक्तियों में अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। वह कहता है कि पराधीन भारत की जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी अंदर हैं उनकी बहुत ही स्थिति दयनीय है। उन्हें कहाँ रखा जाता है, उन्हें ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी जो कारागार की जो जेल है, जो दीवारें हैं वो भी कैसी हैं, काली हैं, वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है, कभी भी वहाँ पर रोशनी का प्रयोग रोशनी नहीं दिखाई देती। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और कहाँ रखा जाता है, जहाँ पर डाकुओं को रखा जाता है, चोरों को रखा जाता है, बटमारों कहते हैं लुटेरों, या अर्थात एक स्वतंत्रता सेनानी को डाकू चोरों और लुटेरों के पास रखा जाता है। जीने को नहीं देते पेट भर खाना, यानी केवल पेट भर उतना ही खाना देते हैं जितने हम जी सकें, पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते तड़प कर रह जाना, और क्या करते हैं, मरने भी नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है उतना खाना दे देते हैं जिससे हम जी सकें, हमें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, अर्थात उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ब्रिटिश प्रशासन का उद्देश्य है। उन्हें ऐसा क्यों रखा जाता है, ताकि और जो भारतीय हैं वो आगे स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने का की इच्छा को बिल्कुल ही खत्म कर दें, अर्थात वो हमेशा ब्रिटिश शासन के गुलामी में रहें। जीवन पर अब दिन रात है कड़ा पहरा, वे कहते हैं कि हमारी स्वतंत्रता पूरी तरह छीन ली गई है और हमारे जीवन पर अब पूरी तरह अंग्रेजों का पहरा है, अर्थात हमें अपने उसमें सांस भी लेने का कोई भी, हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। आगे अंग्रेजी शासन का के घोर अन्याय का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, वो कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये शासन है, इस प्रकार का कोई शासन होता है क्या, इस प्रकार कोई ऐसा करता है, ऐसा लग रहा है। तम कहते हैं अंधेरा, जैसे कि चारों तरफ अंधेरे ने अपना प्रभाव फैला लिया हो, हिमकर निराश हो चला रात भी है काली। आगे कहता है कि कभी कभी न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता है, परंतु ब्रिटिश शासन में वह हिमकर कहते हैं चंद्रमा को, उस चंद्रमा ने भी अपना प्रकाश छिपा लिया है, अर्थात अब कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं देता, इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी जो हैं वो कोयल के माध्यम से पूछते हैं कि इस कलिमा मई जगी क्यों आली, इस काली, अब यहाँ पर काले से मतलब क्या है, अंधेरे से, अंधेरे का अभिप्राय है बुराई से, शोषण से, जो ब्रिटिश शासन भारतीयों पर कर रहा है उसका करते हैं, इस समय तू क्यों आई है और किसका संदेश लेकर आई है। धन्यवाद।